नमस्कार दोस्तों, इस समय हम यूक्रेन में मौजूद हैं और पोरिस्टन इलाके में हैं। ये इलाका शेरनोबिल के बहुत करीब है। शेरनोबिल आप जानते हैं, बड़ा परमाणु संयंत्र, और 80 और 90 के दशक में वहां पर क्या हुआ था, लेकिन वो सभी बातें हम आपको बताएंगे। दर्शक हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, शवन भी मेरे साथ मौजूद हैं जो इस समय लाइव तस्वीरें हैं। शवन, मुझे लगता है सबसे पहले हम वो दिखाएं दर्शकों को, किस तरीके से यहाँ पर मिसाइल अटैक हुआ, आगजनी हुई और सड़क कैसे तबाह हो गई है, ये अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आइए, जैसे हमारे जस्ट एक मिनट में थोड़ा समझा देता हूँ कि इलाका कहाँ है और पिछले कुछ दिनों से हम लोग कहाँ से रिपोर्टिंग करें। इस वक्त करस्टिन करके जो जगह है वो नॉर्दर्न यूक्रेनियन इलाके में है। वो करीबन 100 से थोड़ी दूरी के में ही जो न्यूक्लियर प्लांट है, शेरनोबिल करके जो न्यूक्लियर प्लांट है जिसमें अटैक हुआ था कुछ दिन पहले, वहाँ से कुछ ही दूरी में है। और लगातार हम जो देख रहे हैं कि जो नॉर्दर्न एक्सिस की बात है, जो आपको बाकी सब चैनल ये बताएंगे कि कीव में क्या हुआ है, बट ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि कीव तक पहुँचने के लिए जो रास्ता उनको तय करना पड़ता है वो आखिरकार कौन सा ऐसा रास्ता है। वो इलाका है जहाँ से रूस की आर्मी इस वक्त सेना जो है वो कोशिश यही करे कि ये जो जितने सारे इलाके हैं वो यहाँ से निकल कर आगे बढ़ने की कोशिश करे, जिसके कारण जो हम लोग देख रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से कई ऐसे इलाके हैं जहाँ लगातार और ये भी लगातार जो हम लोग देख रहे हैं कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हमें, और मैं भी दर्शकों से कहूँगा कि वो हमारे साथ बने रहिए। ये जो तबाह हुआ है धमाके, ये सभी आप तस्वीरों में नजर देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा। और ये शख्स है, ये इसका घर और किस तरीके से तबाही हुई है ये हमें दिखाना चाहता है। ये देखिए, ये आप तबाही कैसी हुई है, ये शख्स हमें दिखाना चाह रहा है कि कैसे यहाँ पर धमाका हुआ। और ये इस बंकर में छिपता है, ये बंकर आपको कहीं नजर नहीं आएगा। और ये देखिए, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको वजह सीधे पोलचसा शो हरियलो। ये देखिए, ये बंकर आप देखिए, ये बंकर आपको नजर आएगा, ये पूरा बंकर आप देख सकते हैं। शख्स यहीं पर कि यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है, लेकिन उसके बावजूद कैसा धमाका हुआ है ये आप देख सकते हैं। ये तस्वीरों में देखिए आप, बहुत ज्यादा बर्फबारी यहाँ पर हो रही है। और शवन, आप कुछ बोलना चाहेंगे, आपने देखा बंकर में ये शख्स छिपा हुआ था। हर एक ऐसे इलाके हैं जो लगातार हम ये बोल रहे हैं कि सिर्फ ये जो मिलिट्री बेसिस की बात हम करते हैं कि सिर्फ मिलिट्री बेसिस अटैक हो रहे, वो नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त, ये वो यहाँ के जितने स्थानीय लोग यहाँ पर रह रहे थे जब ये बमबारी हो रहा था। और ये कहना भी बहुत ज़रूरी होगा कि लगातार जो हम लोग देख रहे हैं इस वक्त वो है कि एरियल बम्बार्डमेंट हो रही है, जो सुखोई की इस्तेमाल उसकी सेना कर रही है, ये सब जितने भी सुखाई है इसे इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि बेलारूस से 3 ऐसे एयरफील्ड हैं जिसमें सुखाई इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि लगातार ये सब जो इलाके करीबन 10 ऐसे घर हैं जो जिसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। आगे जब चलेंगे देखिए आप, इस वक्त भी JCBs इस्तेमाल किया जा रहा ताकि ये जो रास्ता है ये रास्ता को लेवल कर दिया जाए, क्योंकि इसमें एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन चुका है, एक क्रेटर बन चुका है। हम लोग कई सारे ऐसे इलाके में गए थे पर इतनी बड़ी क्रेटर हमने नहीं देखी थी। और आप जैसे भी देख सक रहे हैं, बिल्कुल ये देखिए ये तस्वीर। और जैसा हम कह रहे हैं कि घर और बिल्डिंग नहीं, यहाँ सड़क कैसे तबाह हुई है वो तस्वीर भी हम दर्शकों को बता रहे हैं। ये देखिए, सड़क में ज़ोरदार तरीके से जब हमला हुआ तो ये गड्ढा हुआ, और ये देखिए तबाही, कितनी तबाही यहाँ पर हुई है। जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएंगे वहाँ पर आपको तबाही नज़र आएगी। मैं शवन जो मेरे सहयोगी हैं उनसे कहूँगा कि वो आगे आने की कोशिश करें और हम आपको वो सड़क की तस्वीर दिखाएंगे कि वो कैसे तबाह हुई। शवन, आप आगे आगे चलते रहिए और बताते रहिए कि कितना ज़ोरदार हमला था। ये करीबन रात के वक्त जब यहाँ पर धमाका हुआ था और ये एरियल बम्बार्डमेंट इस
पूरे इलाके में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऐसा कोई छोटा सा इलाका नहीं है जिसे बर्बाद किया गया, और ये पूरा जो सड़क है इसीलिए बर्बाद किया गया है क्योंकि देखिए अगर आप आगे की तरफ चले, अगर आप आगे की तरफ चले तो देखिएगा कई सारे ऐसे चेक पॉइंट बनाए गए हैं ताकि ये सब इलाका अगर खाली हो जाए तो यहाँ से निकल कर ठीक के और जाने के लिए आसानी हो सकती है। इसके कारण देख रहे हैं कि लगातार ये सब इलाके जितने भी इलाके हैं वहाँ पे बम्बार्डमेंट होती रहती है। जोटोमर करके जो इलाके में कुछ दिन पहले हमने रिपोर्टिंग की थी वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि किस तरह से सिर्फ स्थानीय इलाके जो है ये वो सड़क आप देख सकते हैं, ये वो सड़क है, और कितनी तेज यहाँ पर मिसाइल से अटैक हुआ ये देखिए आपको नजर आ रही होगी। ये सड़क बताने के लिए काफी है कि हमला कितना तेज हुआ और इस तेजी में सड़क किस तरीके से तबाह हो गई। यहाँ तक आप देख सकते हैं वो घर आपको दूर दिखाई दे रहे होंगे तबाह हुए, और वो गड्ढा जहाँ पर मिसाइल से अटैक हुआ, और ये पूरी की पूरी सड़क उखड़ जाती है। ये देखिए यहाँ पर ये सड़क ही है, हम आपको एक तस्वीर ये भी दिखा दें कि ये सड़क ही जा रही है, ये पूरा रोड है, लेकिन यहाँ से जो तबाही हुई है वो आप देख सकते हैं। श्रवण वाकई आप खुद समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। इसमें ये कहना बहुत ज़रूरी है कि लगातार ये कहा जा रहा है कि कीव को पूरी तरह से घेर लिया गया, वो बात सच नहीं है क्योंकि कीव से एक ही ऐसा इलाका है इरपिन करके जो इलाका है जहाँ पे लगातार गोलीबारी हो रही है, और वो कोशिश यही कर रहे हैं कि अगर ऐसे जो एक्सेस है ये सब अगर एक्सेस खाली हो जाता है तो रूस की सेना के लिए कीव में हमला धावा बोलना बहुत आसान हो जाएगा। जिसके कारण आप देख रहे हैं कि अगर आप सीधे इस रोड के आखिरी में जाएंगे तो देखेंगे कि कई सारे ऐसे चेक पॉइंट बनाए गए हैं, क्योंकि यूक्रेनियन सेना की अगर बात करें, अगर कहीं ना कहीं वो टक्कर दे रहे रूस की आर्मी को तो वो दे रहे हैं ग्राउंड पर, एरियल में देखिए कहीं ना कहीं उनके पास इतना सपोर्ट नहीं है, जिसके कारण आप देखिए कि वो ऐसे जो एरियल बम्बार्डमेंट हो रहे हैं वो उसे रोकने के लिए बहुत ही उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है, और वो उनकी वो चुनौती कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है यूक्रेन की सेना के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि लगातार आपको कीव के अलावा ये सब तस्वीरें इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि आखिरकार सिर्फ ये जो कहते हैं कि जो दो युद्ध जब होता है तो वो सिर्फ सेना के इंस्टॉलेशन होते हैं कि उसी पर अटैक होता है, वो बात नहीं है, क्योंकि लगातार जो हम देख रहे हैं एक से दूसरे शहर जब हम लोग जा रहे हैं हम लोग यही देख पा रहे हैं कि जो स्थानीय लोग हैं उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। स्कूल्स हो, कॉलेजेस की बात करें, अस्पताल की बात करें, या कुछ ऐसे चर्चेस की बात करें जहाँ पे लगातार हमले होते रह रहे हैं, और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि रूस का जो इंटेंशन है वो इंटेंशन साफ हो चुका है कि आखिरकार अगर वो कीव में धावा बोलेंगे तो उनको इस वक्त जो चाहिए होगा एक साफ रास्ता ताकि वो कीव तक पहुँचे, क्योंकि यूक्रेनियन सेना इस वक्त कहीं ना कहीं मुँह तोड़ जवाब देने की कोशिश तो करी है। बिल्कुल, और मैं इस तस्वीर को थोड़ा सा और आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि लगातार सायरन बजते रहते हैं, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा बर्फबारी यहाँ पर हो रही है, हमारे लिए भी कार्य कर पाना या काम कर पाना बहुत मुश्किल है। और हम आगे की तरफ जाएंगे, एक और तस्वीर आपको मैं दिखा दूँ कि किस तरीके से यहाँ पर हमला हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, तो वो हम आगे की तस्वीर आपको दिखाएंगे, और उसके बाद ये वो तबाही हुई है जो इस समय हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन हमारे लिए पूरी टीम हमारी यहाँ पर मौजूद है, हमारे कैमरामैन सुरेंद्र रावत भी हैं, और अब ऐसी तस्वीरें हम आपको और बताएंगे क्या नुकसान हुआ है।